हेलो दोस्तों, तो जैसा कि मैं आपको हर हफ्ते बताती हूँ कि प्री क्यू और कंपाइलेशंस में आपको बैकएंड पे क्या पढ़ना है, क्योंकि जैसा कि मैंने काफ़ी बार आपको बताया हुआ है कि करंट अफेयर्स के बैकएंड से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो अक्टूबर के ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स देखते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको ऐसे के ऐसे पढ़ने हैं और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनमें आपको बैकएंड देखना है। फॉर एग्जाम्पल, पे सेटर फंड प्रोग्राम है, ठीक है। सो पे सेटर फंड प्रोग्राम में वैसे तो इंडिया यूएसए का प्रोग्राम है, बट बैक एंड पे यू कैन गो एंड रीड एमएनआरई की बहुत सारी स्कीम्स कौन सी हैं, ठीक है। अब जैसे फ्राइडेज फॉर फॉर्चून की बात है, तो क्लाइमेट चेंज पे एक मूवमेंट है, तो शंकराय से गो बैक एंड रीड क्लाइमेट चेंज का चैप्टर, और जो आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्कीम्स हैं वो चैप्टर आप डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हैं, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। देन वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, राइट। तो इनके आसपास की जितनी सराउंडिंग कंट्रीज हैं, है ना, कि मेडिटेरेनियन सी को कौन कौन सी कंट्रीज टच कर रही हैं, ब्लैक सी को कौन सी कंट्रीज टच कर रही हैं, है ना, एरल सी को कौन सी कर रही हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हर साल ही एग्जाम में आती है। मेडिटेरेनियन सी पे तो 3-4 बार सवाल ऑलरेडी आ चुका है, तो ये आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। अब जैसे पूछा या सस्वी है, ठीक है, कि देयर इज अ टाइप ऑफ राइस, तो जस्ट गो बैक एंड रीड अबाउट गोल्डन राइस इज वेल, है ना, बांग्लादेश में इट्स अबाउट टू गेट अप्रूव्ड, ठीक है। अगेन नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स है, नथिंग एल्स टू बी डन हियर, ठीक है। हाँ, नाउ व्हाट आई वांटेड टू डू इज रिकर्वियंट साइक्लोन्स पे आप जाइए और जाके पढ़िए कि रिकर्वियंट साइक्लोन्स क्या होते हैं। मीन्स में एक बार सवाल भी आ चुका है और मैंने आपकी PCM बैच में काफ़ी डिटेल में कवर किया है इसको, राइट, व्हेन दे गेट कर्व्ड, और क्योंकि इससे आपके काफ़ी प्री के सवाल भी सॉल्व होंगे। NPR बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो सिटीजनशिप एक्ट के बारे में जाके पढ़िए, OCI के बारे में जाके पढ़िए, PIO पहले एग्जिस्ट कर रहा था क्या, अब एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, उसके बारे में पढ़िए, राइट। क्वाड कंट्रीज़ हैं, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, तो इंडिया और USA की जो एक्सरसाइजेज हैं, या इंडिया की जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं ना, उनके बारे में जाके पढ़िए। तो ये सब चीज़ें बैकएंड पे इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। गांधी सोलर पार्क है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पढ़िए, SDGs आपको याद होने चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एंड CTBT भी आप बैकएंड पे जाके पढ़ेंगे। वाटर वीक है, राइट, जल जीवन मिशन को आप क्लैरिटी से पढ़िए। गालो कम्युनिटी अरुणाचल से एसोसिएटेड है, अरुणाचल में कौन से नेशनल पार्क्स हैं, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल में, राइट, ब्रिजेस कौन से हैं यहाँ पे, तो ऐसी चीज़ें आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। अगेन देयर इज नथिंग टू बी रेड हियर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ऐसे का ऐसे, तो जहाँ कुछ एडिशनल होगा वो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी, ठीक है। प्रकाश पोर्टल, RCEP, साफ्ता, आइकॉन मिशन ऐसे का ऐसे, मोबाइल, ग्रीन वॉल, सैटर्न। हाँ, जैसे यहाँ प्लैनेट्स की बात आ गई ना, तो जो भी आपका सोलर सिस्टम का स्टैटिक पार्ट है, राइट, कौन से किसके बाद कौन से प्लैनेट्स आ रहे हैं, कौन से जोवियन प्लैनेट्स हैं, कौन से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, उस चैप्टर को जाके आप डेफिनेटली पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, अगेन जैसे वनधन प्रोग्राम है, तो ट्राइबल अफेयर्स की स्कीम्स हैं, तो ट्राइबल अफेयर्स में जितनी भी स्कीम्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है याद करने के लिए, वो डेफिनेटली आप जाके पढ़िए, ये डेफिनेटली पेपर में इनसे सवाल आता है। अब जैसे माउंट किलिमंजारो है, राइट, तो अगेन वॉल्केनोज की बात है, तो इंडिया में कौन से वॉल्केनोज हैं ना, बैरन आइलैंड जैसे आपको पता है, नारकंडम आइलैंड आपको पता है, नहीं पता है तो यू कैन गो बैक एंड रीड योर NCERTs, ठीक है। और वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। अब जैसे फूड सेफ्टी मित्रा स्कीम है, तो जस्ट गो बैक एंड सी मैगी की कॉन्ट्रोवर्सी क्या थी, जॉनसन एंड जॉनसन में कुछ कंट्रोवर्सी थी वो क्या थी, राइट, किस पर्टिकुलर कंपोनेंट को लेके थी, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे तुलागी आइलैंड की बात है, तो जितने भी डिस्प्यूटेड आइलैंड्स इन न्यूज रहते हैं उनके वो आप पढ़िए जाके, ठीक है। इसके अलावा जो कितने आइलैंड्स हैं जहां इंडिया मिलिट्री बेस बनाने की बात करें ना, जैसे पहले अजाम्पशन आइलैंड पर बात हो रही थी, राइट, अगेन जहाँ जहाँ पे ऐसी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं वो आप डेफिनेटली जाके पढ़िए, राइट, इंडिया कहाँ कहाँ मिलिट्री बेसिस बना रहा है, US कहाँ बनाने की बात कर रहा है, ठीक है। अगेन जैसे कि टाइफून की बात हो रही है, तो जस्ट गो बैक एंड रीड अबाउट ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इंपॉर्टेंट चीज़ इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, और इस एक और चीज़ जिस पर ऑलरेडी सवाल आ चुका है कि डिफरेंट ओशंस में डिफरेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के डिफरेंट नाम क्या है ना, टाइफून आप कह रहे हो कहीं, राइट, साइक्लोन्स आप कहीं कह रहे हो, तो आप देख रहे हो जापान वाले रीजन में आपने टाइफून कह दिया, इंडिया वाले रीजन में आप साइक्लोन कह देते हो, तो डिफरेंट जगह पे ऐसे डिफरेंट नेम्स हैं, वो भी आपको डेफिनेटली पढ़ने हैं, ठीक है। सिंपल था, तो जो ऐसा कैसा पढ़ना है वो मैंने आपको बता दी है, जिनके बैक एंड पे चीज़ें हैं पढ़ने के लिए वो भी मैंने आपको बता दिया ना। वन थिंग दैट आई फॉरगॉट, राइट, मैरिटाइम चीज़ों की बात हो रही है, सागरमाला को डेफिनेटली आप जाके पढ़ें, ठीक है, और सागरमाला एंड देयर समथिंग कॉल्ड भारतमाला,
ठीक है, तो सागरमाला और भारतमाला में क्या डिफरेंस है, राइट, कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है जी, सिंपल सिंपल चीज़ें बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मेक श्योर यू डेफिनेटली रीड देम. ठीक है जी, चलो दैट विल बी ऑल फॉर द डे दोस्तों. ओके दोस्तों, बाय बाय.